फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और इस वीडियो में हम इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट करेंगे। दिस इज अ वेरी स्पेशल इंटीग्रल विच वी आर टू इंटीग्रेट। तो देखिए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए जो बेसिक आइडिया कि हम किस तरीके से स्टार्ट करें, तो इसमें आप देखें कि डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन मतलब कोई ऐसा रेडिकल है या कोई ऐसा कोई स्पेशल फंक्शन दिख रहा है जिसका डेरिवेटिव ऊपर हो या डेरिवेटिव साइड में हो, नहीं। पर इसमें एक और ख़ास बात जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि रूट के अंदर है x प्लस वन। तो रूट के अंदर x प्लस वन है, ये इसे रेडिकल कहते हैं। रेडिकल साइन रूट है और रूट के अंदर x प्लस वन है। तो हम एक कोशिश करते हैं कि जब तक ये रूट रहेगा तब तक ही हमारा प्रॉब्लम इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो क्या कर सकते हैं, तो द बेस्ट वे टू इंटीग्रेट दिस इज पुट x प्लस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। x प्लस वन को टी स्क्वायर पुट कर दें। अगर क्यूब रूट होता तो क्यूब रूट होता तो हम उसको, जैसे सपोज ये इंटीग्रल ले लीजिए आप 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/3। तो इसमें x की जगह हम टी क्यूब सब्स्टिट्यूट करते, 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स होता तो x की जगह टी स्क्वायर रखने की कोशिश करते। और एक और इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 प्लस एक्स टू द पावर 1/3। अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल विच आई हैव बीन इंटीग्रेटेड, यू कैन सी इन द प्लेलिस्ट। ये बहुत पॉपुलर और अच्छा इंटीग्रल है। इसमें x टू द पावर 1/2 भी है और x टू द पावर 1/3 है। तो x की जगह हम t टू द पावर 6 रखेंगे, 2 और 3 का LCM, ताकि ये 1/2 भी हट जाएगा और 1/3 मतलब क्यूब रूट भी हट जाएगा और स्क्वायर रूट भी हट जाएगा। आइए अब इस पे फोकस करते हैं, तो एक बेसिक आइडिया आपको लग जाए कि किस तरह से इंटीग्रेट करना है। तो ये dx बाय dt इज इक्वल टू 2t, 1 का डेरिवेटिव 0, तो dx का वैल्यू आ जाएगा 2t dt। dx की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2t dt। अब ये सारे सब्स्टिट्यूशंस जो हमने सब्स्टिट्यूट किए हैं, इसके अकॉर्डिंगली इंटीग्रल में क्या चेंज आएगा, तो लेट द इंटीग्रल बी इक्वल टू i। मान लिया इंटीग्रल को कि ये इंटीग्रल i है, देयरफॉर द i विल बी व्हाट, लेट अस सी। यहाँ पर है x, तो हमने सब्स्टिट्यूट किया x प्लस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो x का वैल्यू आएगा टी स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पे रख देंगे टी स्क्वायर माइनस वन प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर अपॉन एक्स का वैल्यू, देखिएगा वहाँ से टी स्क्वायर माइनस वन प्लस इसमें देखिएगा कि टू लिखा हुआ है तो टू भी आएगा। डी एक्स का वैल्यू है टू टी डी टी। नाउ दिस टू कैन बी टेकन कॉमन, बीइंग अ कॉन्स्टेंट इट कैन कम आउट ऑफ द इंटीग्रल, इंटीग्रल से बाहर आ गया। ये हो गया आपका टी स्क्वायर, और अगर ये टी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टी क्यूब, और टी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर विल बी टी, टी इंटू दिस टी विल बी टी स्क्वायर, तो यहाँ टी स्क्वायर लिख दिया, माइनस वन इंटू दिस टी। इसको इसलिए इस तरीके से लिखा जैसे आपने क्लास 7 में देखा होगा, पॉलीनोमियल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर किसकी, डिसेंडिंग ऑर्डर डिग्री की, तो डिग्री की ऑर्डर है 3, फिर 2 है, फिर 1 है, इस ऑर्डर में लिखा। अब डिनोमिनेटर विल हैव व्हाट, टी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ आ जाएगा आपके पास डी टी। तो ये आप समझे कि टी मैंने इसमें और इसमें और इसमें तीनों में मल्टीप्लाई किया और उसको यहाँ लिख दिया। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि न्यूमरेटर इज़ अ पॉलीनोमियल एंड डिनोमिनेटर इज़ अ पॉलीनोमियल। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलीनोमियल्स हैं, और ऊपर पॉलीनोमियल जो है उसकी डिग्री 3 है और नीचे जो पॉलीनोमियल है उसकी डिग्री 2 है। तो जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा हो या बराबर हो तो हमें डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर को। तो इस केस में आप देखें कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, एन आर मीन्स न्यूमरेटर, इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा है।
इक्वल होगा तब भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वल होगा तब भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखें हम कैसे डिवाइड होगा। तो जो इसका इंटरनल है उसको 2 को छोड़ करके टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 इससे डिवाइड करेंगे। तो टू मेक इट टी क्यूब, टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, टी क्यूब प्लस टी प्लस टी प्लस टी थोड़ा दूर लिख दिया इधर, माइनस माइनस ये टी क्यूब कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर एज इट इज माइनस टी, दिस माइनस टी विल बिकम माइनस टू टी। अभी आप डिग्री नोटिस कर सकते हैं, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इसका जो रिमाइंडर है इसका डिग्री इसके बराबर है, तो अभी और डिवाइड होगा। तो टू मेक इट टी स्क्वायर वी शैल मल्टीप्लाई इट विथ 1, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। अब फिर साइन चेंज होगा, माइनस माइनस ये टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस टू टी माइनस 1। अब इसकी डिग्री कम हो गई है, अब इसकी डिग्री हो गई है 1, तो अब इसके बाद ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। इसको हम कहते हैं डिवाइजर, इसको कहते हैं कोशेंट, इसको कहते हैं रिमाइंडर। कोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइजर। तो लिखने का तरीका क्या होगा, न्यूमरेटर को जब डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे तो उसे लिखेंगे कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये उसी तरीके से है जैसे आप 7 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो 7 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो आप देखिएगा कैसे लिखेंगे, यहाँ आ जाता है आपका 3, 2 जा 6, 1। तो आप लिखते हैं 7/3 को 2 प्लस, मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो लिखने का तरीका है, 2 मीन्स कोशेंट, 1 मीन्स रिमाइंडर और 3 मीन्स डिवाइजर। तो ये लिख देते हैं आप 2 प्लस 1 अपॉन 3, और वापस जब एलसीएम लेते हैं तो वही हो जाता है। क्या लिखते हैं आप नोटिस करें, 2 मीन्स कोशेंट, 1 मीन्स रिमाइंडर और ये 3 जो है ये यहाँ पर डिवाइजर है। तो अब हमारी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के लिए ये जो लिखा हुआ है हमारे पास इंटीग्रल आई, इस इंटीग्रल आई को क्या लिखेंगे, तो आई को लिखेंगे इसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं, देखिएगा आई इज इक्वल टू 2, आप देख सकते हैं वो बाहर है, बार इंटीग्रल कोशेंट, कोशेंट इज व्हाट, तो कोशेंट यहाँ लिख भी सकते हैं हम टी प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 2t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। ये किसको लिखा था हमने, ये लिखा था टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 को। आप चाहेंगे अगर एलसीएम लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। Therefore, this integral I is equal to what? ये integral I हो जाएगा, 2 is already there, ये वाला 2, और integral के अंदर जो ये expression है, ये it has become equal to this. अब ये इसके बराबर हो गया, तो इसको हम इससे replace कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा bracket t plus 1. अब ध्यान से देखिए, इसमें minus minus 2 हैं, माइनस बाहर निकाल देंगे तो ये प्लस इनटू माइनस विल बिकम माइनस, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 1, ये माइनस बाहर आ गया, अपॉन में आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 dt, ये माइनस बाहर आ गया, हमने टाइम बचाते हुए ऐसा किया ट्वाइस ब्रैकेट। अब इंटीग्रल t का अलग इंटीग्रल हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 अलग हो जाएगा, और ये सब्स्टिट्यूशन है, हमें बाद में इससे x की वैल्यू मिलेगी जब हम t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि ये हमारे नोटिस में रहेगा, आखिरी में आप इसको ध्यान रखिएगा। अब माइनस इंटीग्रल ऑफ, ध्यान से देखना है अब आपको, ये 2t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 है, तो 2t इज डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, तो आप इसको ऐसा लिख दें 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। एक इंटीग्रल ये हो गया, माइनस प्लस माइनस इज माइनस, इंटीग्रल
और इंटीग्रल ये जो है ये सेपरेट होते होते इसमें भी सेपरेट होगा, पहले ये दोनों एक्सप्रेशन सेपरेट हो गए फिर इंटीग्रल भी सेपरेट हो जाएगा, वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन या वन प्लस टी स्क्वायर आप लिख सकते हैं, वन प्लस टी स्क्वायर प्लस वन एक ही चीज़ है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये टेन इनवर्स टी का डेरिवेटिव है, टेन इनवर्स टी, तो टी स्क्वायर प्लस वन लिखो, वन प्लस टी स्क्वायर लिखो, ऑल आर सेम। अब ध्यान से देखिएगा, इसके लिए यहां पर हो जाएगा टू इंटीग्रल ऑफ टी टू द पावर वन यूजिंग दिस फॉर्मूला, एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और इंटीग्रल कांस्टेंट हम एक साथ सबके लिए लगाएंगे सी, तो अलग अलग केसेस में अलग अलग नहीं लगाएंगे, टी टू द पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन यूजिंग दिस फार्मूला प्लस इंटीग्रल ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टी यू नो इज टी, ये भी आपको मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रल ऑफ वन इज टी वाई, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो टी टू द पावर जीरो डी टी, और टी टू द पावर जीरो का इंटीग्रल इसी फार्मूले से कर सकते हैं आप, टी टू द पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन, ऐसे कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं करने के, तो इससे आपका इंटीग्रल हो जाएगा टी। दूसरा तरीका है कि आप ऐसा समझ लें कि आपके पास वन डी टी है, मतलब डी ऑफ टी है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों हट जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा डी ऑफ टी और इंटीग्रल है, इंटीग्रल डिफरेंशियल दोनों हट गए तो आपका आ गया टी। अब आगे का जो केस है इसको देखते हैं, टू टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन, तो अभी इसको लिख देते हैं एज इट इज, टू टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन माइनस, इसका इंटीग्रल आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स टी, टेन इनवर्स टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट अभी भी लगा सकते हैं, बाद में भी सी लगाना हो सी लगा दें, के लगाना हो के लगा दें, आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ हमने इसका कौन सा इंटीग्रल, तो ध्यान से देखिए, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज वॉट इट इज टेन इनवर्स एक्स, तो ये जो ऊपर वाली रो है इसमें यूज्ड फार्मूले लिखे हैं, जो जो फार्मूले हमने यूज़ किए हैं, जो जो कंसेप्ट साइड में भी लिख सकते थे, पर आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा लिखा हुआ है इसलिए मैंने बीच में लिख दिए। अब आपके पास एक लास्ट की बात है कि इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो इसके इंटीग्रल के लिए एक सब्स्टिट्यूशन है, टी स्क्वायर प्लस वन को यू ले लेते हैं, डायरेक्ट लिखने से बचें थोड़ा सा, अदरवाइज आप इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन, दैट आई कैन अंडरस्टैंड आपका एक्साइटमेंट होगा, पर आप टी स्क्वायर प्लस वन को यू लिख दें। अब डिफरेंशिएशन करेंगे डी यू बाय डी टी, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी, वन का जीरो, और आपको वैल्यू निकालनी है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर डी टी आएगा, यहाँ पर आएगा टू टी डी टी, और उसमें भी यहाँ ओके उसमें डी टी लिखा हुआ था, दिख रहा है मुझे हल्का हल्का सा डी टी, तो इसमें डी टी आएगा, तो इसको इधर भेज देंगे, टू टी डी टी इज इक्वल टू डी यू, टू टी डी टी इज इक्वल टू डी यू, तो ये टू टी डी टी अपॉन, ध्यान से देखिए, टू टी ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्वाइस टी स्क्वायर बाय टू प्लस टी माइनस, यहाँ पर आ जाएगा आपका टू टी डी टी विल बी रिप्लेस बाय डी यू से रिप्लेस कर दीजिएगा, अपॉन में आ जाएगा यू, माइनस हो जाएगा ये टेन इनवर्स टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अब डी यू बाय यू, डी यू बाय यू विल बी, तो वन बाय यू का इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ वन बाय यू डी यू विल बी वॉट, लॉग यू, जैसे वन बाय एक्स डी एक्स होता है, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है, तो वैसे ही वन बाय यू डी यू का हो जाएगा लॉग यू टी स्क्वायर बाय टू प्लस टी माइनस लॉग यू बेसी, तो माइनस टेन इनवर्स टी, या एल एन लिख सकते हैं आप, एल एन यू लॉन यू, इसका बेस ई है, मॉड भी लगा सकते हैं, और एल एन लॉन बेस ई के लिए डायरेक्ट है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। आप ध्यान से सुने कि सबसे पहले u का वैल्यू रख देते हैं, तो u की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो u का वैल्यू है, u का वैल्यू है इससे देखिएगा log of t square plus 1 बेस आपका आ जाएगा e,
माइनस टैन इनवर्स टी प्लस सी। अब इसके बाद टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो टी की वैल्यू के लिए वो लिखा हुआ है टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो टी का वैल्यू होगा रूट एक्स प्लस वन। तो जहाँ जहाँ भी टी लिखा हुआ है वहाँ वहाँ रूट एक्स प्लस वन लिख देंगे। तो एट द लास्ट जब हम इसका टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इंटीग्रल इस तरह का हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ट्वाइस ब्रैकेट टी स्क्वायर बाय टू, सॉरी अब टी स्क्वायर टी का वैल्यू रखना है तो एक्स प्लस वन टी स्क्वायर का वैल्यू, टी का वैल्यू हो जाएगा रूट एक्स प्लस वन माइनस लॉग ऑफ, अंदर देखिएगा टी स्क्वायर प्लस वन मॉड में है तो ये बेसी टी स्क्वायर का वैल्यू है एक्स प्लस वन माइनस टेन इनवर्स टी, तो टेन इनवर्स टी, तो टी का वैल्यू है रूट एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्लोज प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब अगर आप मान लीजिए कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं और आपको इसका इंटीग्रेशन आ भी गया पर आपका आंसर इसके जैसा नहीं दिख रहा, तो उसका एक छोटा सा कारण भी होता है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं टू एक्स बाय टू प्लस वन बाय टू, बाकी सब कुछ ठीक है, रूट एक्स प्लस वन माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस टू माइनस टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस वन, एवरीथिंग इज ऑल राइट प्लस सी। पर ये जो लिखा हुआ है ध्यान से देखिए टू इंटू एक्स बाय टू, अब मैं इसको टू को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स प्लस, क्या हो जाएगा इससे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वन हो जाएगा प्लस टू, इसके साथ अभी रख देता हूँ मैं, चाहे तो आप और मल्टीप्लाई कर दे, फिर मैं जो खास बात बताना चाहता हूँ हम उस पर फोकस करेंगे। ये आपका हो गया प्लस सी। अब ये जो सी और वन है, ये वन और ये वो सी, सी प्लस वन, ये दोनों एक कांस्टेंट है, तो हो सकता है आपके पास जो आंसर आए उसमें सी प्लस वन को एक कांस्टेंट मान के रिप्लेस कर दें तो आपका आंसर इस तरह सा हो जाएगा। किस तरह का हो जाएगा, एक्स प्लस टू और ब्रैकेट रूट एक्स प्लस वन माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस टू बेस ई माइनस टेन इनवर्स रूट ऑफ एक्स प्लस वन, और देखिएगा ये वाला जो वन है और वो सी है, तो सी प्लस वन की जगह एक नया कांस्टेंट ले लिया, वो लिख दिया के, वेयर व्हाट इज के, वेयर के इज सी प्लस वन, जहाँ के की वैल्यू कितनी होगी, के की वैल्यू होगी सी प्लस वन। तो आपका आंसर इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, और इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको वही आंसर टिक करना है जो करेक्ट आंसर है, इसलिए मैंने दोनों आपको बता दिए। आपको होपफुली क्वेश्चन का सल्यूशन समझ में आया होगा, टेक्निक भी समझ में आई होगी। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इसी टाइप का क्वेश्चन अगर ऐसा हो जो मैं आपसे कह रहा था वन अपॉन वन प्लस रूट एक्स, तो वन अपॉन वन प्लस रूट एक्स के जैसा इंटीग्रेशन हो तो आप एक्स को क्या रख सकते हैं, टी स्क्वायर रख सकते हैं, डी एक्स का वैल्यू हो सकता है आपका टू टी डी टी, तो जब डी एक्स का वैल्यू टू टी डी टी हो जाएगा तो इसको यहाँ इंटीग्रल आई इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं टू टी अपॉन वन प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर डी टी। अब ये इंटीग्रल कोई खास इंटीग्रल नहीं है क्योंकि आप जब इतना कठिन क्वेश्चन कर चुके हैं तो ये आपके लिए बहुत आसानी से हो जाएगा। टू बाहर ले लेंगे यहाँ पर टी, और ये अंडर रूट टी स्क्वायर हो जाएगा टी प्लस वन। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से टी अपॉन टी प्लस वन, तो टी टी प्लस वन से डिवाइड, या आपको अगर ज़्यादा जल्दी से समझ में आ रहा हो तो प्लस वन माइनस वन भी कर सकते हैं, प्लस वन माइनस वन करने से भी वही आउटपुट आएगा। तो कब प्लस वन माइनस वन कर पाएंगे, कब डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करना तो यूनिवर्सल रूल है, ये तो एक छोटा सा कंसेप्ट था क्वेश्चन था तो हमें समझ में आ गया।
वरना आप बेसिक बात याद रखें, वेन एवर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर वी नीड टू डिवाइड। अभी ये कैंसिल हो जाएगा टी प्लस वन से टी प्लस वन और वन अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास टी प्लस वन डी टी। वन का इंटीग्रल आप जानते हैं टी माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस वन, इसमें यू रखने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें ये इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज़ करना है, वन अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी बेस ई, लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी बेस ई और कोफिशियंट ऑफ एक्स वन अपॉन ए भी आएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं वन अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी बेस ई। तो यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ एक्स की जगह कोफिशियंट ऑफ टी आएगा और टी का कोफिशियंट देख सकते हैं आप, यहाँ पर टी का कोफिशियंट वन है तो ये हो गया। और फिर एट द लास्ट आपको टी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, तो आप टी का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपका इंटीग्रल हो जाएगा आई इज इक्वल टू ट्वाइस ब्रैकेट टी का वैल्यू है रूट एक्स माइनस लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस वन बेस ई प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। और अगर मैंने आपको कहा कि आप डिवाइड करते तो भी वही चीज़ आती है, आप देख सकते हो वन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस वन आ जाएगा। लिखने का तरीका भी मैंने आपको बता ही रखा है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र, कोशेंट है आपका वन, रिमाइंडर है माइनस वन, डिवाइज़र है टी प्लस वन, एग्जैक्टली वही चीज़ आएगी देखिए आप जो वहाँ से आई थी। पर पिछला जो क्वेश्चन था वो उसका जो न्यूमरेटर था वो कॉम्प्लिकेटेड था, उसको इस तरीके से स्प्लिट करने का आइडिया बहुत जल्दी नहीं आएगा तो हमने उसको किया। अब एक और क्वेश्चन है जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसको कर सकते हैं, वन अपॉन वन प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स इसको लिखेंगे वन अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर वन बाई थ्री डी एक्स, वन प्लस एक्स टू द पावर वन बाई थ्री डी एक्स, और एक्स की जगह आप रख दीजिएगा इसको, एक्स की जगह रख दीजिएगा आप इसमें टी क्यूब, एक्स की जगह क्या रखेंगे आप, एक्स की जगह टी क्यूब रख देंगे। करें आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है, आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे इसका सोल्यूशन शेयर कर सकते हो और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हो। और मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ कि आप खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, ताकि आप पढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, तो हमें अपने नेशन को स्ट्रांग बनाना है और आगे तक जाना है। आप खूब मेहनत करें और चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ ताकि वो लोग भी अच्छे अच्छे इंटीग्रल्स कर सकें, अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकें। कोई भी आप कमेंट मुझे लिखना चाहते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कमेंट बॉक्स में लिखें, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस की लिंक है जो आपके क्लास के वीडियोस हैं, इलेवंथ में हैं आप तो इलेवंथ के हैं, ट्वेल्थ में हैं तो ट्वेल्थ के हैं, जिस भी क्लास के, नाइन्थ में हैं तो नाइन्थ के, टेंथ में हैं तो टेंथ के, तो इस तरीके से आप देखें और आगे बढ़ें। विश यू ऑल द बेस्ट।